हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे व्यापम की, और इसके अलावा भी अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। समवन गेव हर अ बुलडॉग, आपको बताना है कि इसका पैसिव क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है शी इज़ गिवन अ बुलडॉग, अ बुल डॉग वॉज गिवन टू हर, या शी हैज़ बिन गिवन अ बुल डॉग, या शी इज़ बींग गिवन अ बुल डॉग। तो देखिए यहाँ पर जो है गेव लिखा हुआ है, और ये जो गेव है ना, ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो वो बनता है आपका वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इज़ हट जाएगा, यहाँ पर आपका वॉज गिवन आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ये हैज़ बिन गिवन हट जाएगा, और ये इज़ बिन गिवन भी हट जाएगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, अ बोल्ड डॉग वॉज गिवन टू हर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंकी सेट टू गौरव, विल यू हेल्प मी इन दिस वर्क जस्ट नाउ। देखिए क्वेश्चन को करना बड़ा आसान होता है अगर आप थोड़ा सा उसमें गणित लगा लें। गणित कैसे सर? देखो विल जो होता है, तो जब आप नरेशन चेंज करते हैं ना, तो ये जो विल है इसका बन जाता है वुड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चार ऑप्शन जो आपको दिए हैं इसमें विल 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 है, जबकि एक में वुड है, तो ये आप सही लगा देंगे, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में थोड़ी सी ट्रिक अगर आप लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन है तीसरा, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है कि इन चारों में करेक्ट कौन सा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर इनफ आ जाता है, ये देखिए इसमें इनफ आ रहा है, तो अगर कभी भी इनफ आ जाता है ना, तो आपको एक ट्रिक याद आ जानी चाहिए, PE। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, ये होता है पी, मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री, और इसके बाद में आता है आपका क्या, इनफ। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, ये पहले पॉजिटिव डिग्री, इसके बाद डायरेक्ट इनफ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमेशा याद रखना। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आई एम, और ब्लैंक दे दिया और दो ऑप्शन दे दिए, इनफ इनफ स्मार्ट या फिर स्मार्ट इनफ, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा पता है, आई एम पी, पी पहले पॉजिटिव डिग्री, तो ए स्मार्ट इनफ होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, इफ रानी डज नॉट स्टडी वेल शी विल नॉट विन। इसके ऑप्शन हैं डज शी, डजंट शी, वॉन्ट शी, विल शी। इसमें बताना है क्वेश्चन टेक। तो इसका जो क्वेश्चन टेक बनेगा वो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम देखेंगे पीछे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो इसका सही जवाब होगा विल शी, विल शी, ऑप्शन नंबर डी। हमेशा याद रखिएगा, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टेक आपका नेगेटिव बनेगा, और यदि आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टेक आपका पॉजिटिव बनेगा। अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है क्लियर, मतलब जिसको आप नोटिस कर सकें, मतलब कि नोटिसेबल, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, आई कुड स्केर्सली हिज राइटिंग मेकआउट मेकअप मेकऑफ मेकअप फॉर। देखिए ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, तो आपकी एक फ्रेजल वर्ब होती है मेक आउट, मेक आउट का अर्थ होता है अंडरस्टैंड, क्या होता है, अंडरस्टैंड, मेक आउट, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आई कुड स्केर्सली मेक आउट हिज राइटिंग, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन है, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन फियर टू बी ड्रॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सारे इसका जो ऑप्शन लगाते हैं वो यहाँ पे देखते हैं फियर्ड, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज़ लगा देते हैं, और कई सारे लोग हैव इसलिए लगा देते हैं कि मोर देन वन पर्सन। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में याद रखिएगा कि ये जो मोर देन वन होता है ना, इसके बाद में आने वाला जो नाउन होता है वो भी प्लूरल होता है। ठीक है, इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है ना वो भी प्लूरल होता है, और इसके बाद में जो आने वाली वर्ब सॉरी नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। मोर देन वन गर्ल होता है ना कि गर्ल्स, और इसके बाद जो वर्ब आती है ना वो भी सिंगुलर होती है, वो भी प्लूरल नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा, इज आएगा। तो अब यहाँ पर बचा फियर्ड, अब आप बोलेंगे सर ये थर्ड फॉर्म में हेज आना चाहिए, यहाँ हेज नहीं आएगा, ये देखो ये पैसिव है टू बी ड्रॉन्ड, तो यहाँ पर भी पैसिव बनेगा, तो पैसिव फॉर्म होती है इज एम आर थर्ड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू। अगला क्वेश्चन है, द गेट कीपर वुड लेट देम इन, द गेट कीपर वुड लेट देम इन। तो इसमें देखिए सही जवाब होगा, सबसे पहले वुड को आगे ले लेंगे हम,
और वुड, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको कर देंगे हम नेगेटिव, वुडंट, और यहाँ हो जाएगा आपका ही, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, ये वाला ऊपर वाला, वॉन्ट तो विल का बनता है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, यू आर प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन अंटिल ऑर्डर्स, फार्दर, फर्दर, फर्दर या नेक्स्ट। तो देखिए हम बोलते हैं ना फर्दर ऑर्डर्स आने तक थोड़ा सा वेट करेंगे, तो ये फर्दर होता है ऑप्शन नंबर सी। और 10 प्रश्न है आपका, वी रिज्यूम द गेम, इट स्टॉप रनिंग, तो इसका सही जवाब वाइल होगा, वेयर होगा, एज सून एज होगा, इमीडिएटली होगा। तो देखिए हमने गेम को रिज्यूम कर दिया, कब करा भाई साहब आपने, बोले कि जैसे ही बारिश स्टॉप हुई, एज सून एज। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो एज सून एज होता है ना, इसके बाद हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जैसे ही हमने गेम को रिज्यूम कर दिया, जैसे ही बारिश स्टॉप हुई, तो ये इस तरीके से। तो ये 10 क्वेश्चन मैं आपको रोज़ करवा रहा हूँ, इसका वीडियो आता है रोज़ रात को 9:30 बजे, तो आप 10 क्वेश्चन थोड़ा सा समय निकाल के देख लिया कीजिए। इसके अलावा जो मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो वो आपको देखनी पड़ेगी अन अकेडमी पर, ठीक है। अन अकेडमी पर मेरी लाइव क्लासेस चलती है, और इसके लिए आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद आप वहाँ पर उसमें कैटेगरी में जाएँ, MPPSC एंड व्यापम, ये मिलेगी आपको स्टेट PSC के अंदर, स्टेट PSC के अंदर आपको मिलेगी MPPSC एंड व्यापम, और इसके अंदर आप मुझे फॉलो करिएगा श्याम मुजावदिया के नाम से, ठीक है। इसके अंदर आप मुझे फॉलो कर लेना, तो आपको मेरी जो फ्री क्लास मिलेगी उसमें कोड मांगा जाएगा, तो आप वो लगा देना श्याम3लाइव। इसके अलावा यहाँ पर आप मेरा कंप्लीट कोर्स भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश का, अभी आपके लिए एक ऑफर भी चल रहा है 24 पे 4 महीने का, अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने फ्री मिलते हैं, और 12 पे आपको 3 महीने फ्री मिलते हैं, और यहाँ आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके इसमें जो है सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इस तरीके से आपके बैच कोर्सेस होते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये आपके बैच कोर्सेस होते हैं जिसमें आपके जैसे SI का कम्प्लीट बैच कोर्स यहाँ आपको मिल जाएगा, MPPSC का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसा भी चाहें अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 24 महीने या 12 महीने या 6 या 3 महीने, जैसा भी चाहें, कोड आपको लगाना है श्याम3लाइव, ठीक है। थैंक यू।